हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम प्रकाश है एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम मंगवाया है फोटो कार्ड से। ये है एक बायनोक्युलर। ये बायनोक्युलर काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें जो लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मॉडल है सेलेस्ट्रॉन 25x100। तो ये इसका बॉक्स है और अब चलिए खोल के देखते हैं कि इस बॉक्स में एग्जैक्टली है क्या क्या। माइंड यू, मैंने इसको ऑलरेडी सैनिटाइज कर लिया है और पैकेजिंग काफी अच्छी है। ये वो बाइनोक्युलर है। आइए इसका मैं अभी आपको वेट बताता हूं। अप्रोक्सीमेटली 4.8 केजी आता है। अब इसको देखते हैं कि अंदर क्या क्या है इसमें। इसमें एक क्लॉथ दे रखा है जैसे कि आप उसके लेंस को साफ करेंगे, और ये चेन है और इसके अंदर है वो बाइनोक्युलर। कवर काफी अच्छा है और प्रोटेक्टिव है। ये वो बायनोक्युलर है। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी हैवी। इसका बैग भी काफी हैवी है और प्रोटेक्शन देने के लिए एकदम 10/10 है। मुझे बहुत पसंद आया। चलिए, इसके बैग में एक शोल्डर स्ट्रैप भी है तो इसको आप कैरी कर सकते हैं। अब बैग को हम साइड रखते हैं और हम इसको देखते हैं। देखिए, ये जो पार्ट है ये आपके ट्राइपॉड पे लगाने के लिए है जहाँ पे आप स्क्रू को माउंट कर देंगे, और ये जो मूवमेंट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि आप इसको, ये हैवी है तो ट्राइपॉड पे आसानी से ये लग जाए। सामने से इसका ये कवर है जिसे हम देखेंगे, आईपीस, और इसमें जो फोकस का ऑप्शन है वो दोनों आई का अलग अलग है तो हमें इन दोनों को फोकस करना पड़ेगा। आगे वाला हमें खोलना पड़ेगा और फिर हम इसको ऐसे देखेंगे। Oh my God, ये कितना भारी और हैवी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से अंदर दिख क्या रहा है एग्जैक्टली। तो चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं छत पे और चेक करते हैं। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ इसको बाहर टेस्ट करने के लिए, बट आई थिंक क्योंकि आज थोड़ी धुंध है इसलिए उतना साफ दिख नहीं रहा है। मे बी रात में जब हम उसको देखेंगे ना थोड़ा सा सिटी लाइट से बाहर जाके, तो इसका व्यू काफ़ी अच्छा रहेगा। और ओवरऑल तो वो काफ़ी केपेबल है और मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करके। बस ये है कि दोनों आई पीस से आपको सेट करना पड़ता है तभी ये परफेक्टली जो है आपको फोकस में दिखाता है कोई भी ऑब्जेक्ट को। तो ओवरऑल अच्छा है। अब मैं आपको रात का दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिखता है। सो गाइस, मैंने इसको रात में भी ट्राई किया एंड द रिजल्ट्स वर ऑसम। आज मैं इसको फिर से लेकर आया हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि इसको एडजस्ट कैसे करना है इसका फोकस। और मैंने एक बात रियलाइज़ करी कि इनका इसका जो फोकस है वो दोनों अलग अलग है। इससे फोकस करना पड़ेगा, इससे अलग अलग फोकस करना पड़ेगा। तो जब आप कर रहे हो तो आप एक आँख को बंद करके फोकस करिए एक आँख से, और दूसरे आँख को बंद करके फिर फोकस कर लीजिए। तो दैट इज़ ऑल्सो एन ईजी वे टू फोकस। और इसके अलावा मेरे पास एक एक्सेसरी है जिसमें कि मेरा मोबाइल फिट हो जा रहा है ऐसे करके, एंड देन आई एम एबल टू टेक गुड फोटोज़ फ्रॉम दिस 25x100 बायनोक्युलर एज वेल। सो इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट एंड आई थिंक यू कैन ओन इट। वहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल है, ये आपको दिख रहा होगा, और ये हमें नॉर्मल आँखों से एकदम नहीं दिख पा रहा है, बट जब हम इस बायनोक्युलर में फ़ोन को लगाए तो देखिए कितने साफ से ये दिखा रहा है यहाँ पर, एंड देन यू कैन इवन टेक अ फोटोग्राफ ऑफ इट। तो इसी तरीके से हम रात में इससे फोटोग्राफी कर सकते हैं ऑफ दी सेलेस्ट्रियल बॉडीज एंड विच विल बी वेरी गुड। और इसकी लेदराइट फिनिश एंड एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड, सो आई रियली लाइक्ड इट। इट्स बिट हैवी, टू ऑलवेज रिमेंबर कि आपको एक अच्छा ट्राईपॉड लेना पड़ेगा। माई ट्राईपॉड इज़ नॉट एज गुड एज इट शुड बी, सो आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड अ न्यू ट्राईपॉड फॉर दिस थिंग एंड इट्स क्वाइट गुड। आई रियली लाइक्ड इट।
वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब.